हेलो, आवाज आ रही है? यस अच्छा, और बताओ कैसे हो, सर, बढ़िया सर। कैसी क्या पढ़ाई चल रही है तुम लोगों की? तो आज क्या पढ़ाना है मुझे? कौन कौन आ गया? दिव्यांशी, श्रेया, दीक्षिता, आदित्य, कुणाल, अबूजर, सौमिल, और बस इतने ही है? बाकी वो वे बहुत करना अच्छा है। अच्छे से कुछ देखना है, फिजिक्स वो टारगेट दे देंगे बस। में कितने आए थे? क्योंकि पीपीटी तो नहीं है। चलो, थोड़े थोड़े ज्यादा ज्यादा थे, आ जाएंगे, या आज कुछ होगा, कोई बात। तो क्या पढ़ाना था मुझे आज? क्यों दिव्यांश जी? अच्छा, सर, सॉलिड स्टेट के लिए कहा था आपने। तो कल तो रक्षाबंधन है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? घूमने उमने जा रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, सर, अच्छा NaCl टाइप सॉलिड में बताओ, इसको हम क्या बोलते हैं सिंपली? हम एक सॉलिड पढ़ते हैं पहले, अब स्क्रीन रिप्रेजेंट हो गई। नहीं हो तो हम देखते हैं NaCl टाइप सॉलिड, ठीक है? यदि हम सर। क्या पूछ रहे थे? NaCl टाइप सॉलिड, सीएल की एक्सेसी होती है और एन ए प्लस ऑक्टाहेड्रल वर्ड में होता है। या हम यहाँ पे इसको बोलते हैं रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, ध्यान समझना, ठीक है? ये बोलते हैं इसको, हम 6:6 टाइप सॉलिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान समझो, यदि मैं एक्सपेरिमेंटल बात करता हूँ, रेडियस रेशियो ऑफ कटायन अपॉन रेडियस रेशियो ऑफ एनायन कितना आता है एक्सपेरिमेंटल, पता है किसी को? 0.52। तो अब किस रेंज में आएगा ये? ये एक्सपेरिमेंटल होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? अब ये बताओ सिंपल, यदि हम बात करें तो किस रेंज में आ रहा है ये बताओ? ऑक्टेटल वॉइड के रेंज में आ रहा है, 0.225 से लेके 0.414, बोलो सिंपल। अब आप एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे सिंपल यदि हम बात करें, यहाँ पे स्मॉलर एटम कौन होगा, बोलो? Na प्लस। Na पे स्मॉलर एटम जो सोडियम है वो कहाँ पे रखा होगा बताओ? कम्स इन टू वॉइड, ठीक है? कहाँ पे पड़ा हुआ? वॉइड में पड़ा हुआ, वो भी किस वॉइड में पड़ा हुआ? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में पड़ा हुआ। अच्छा, ऑक्टेटल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? सिक्स। वेरी गुड, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे? 6 हो गया, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, यदि हम बात करें यहाँ पे जो ईच सोडी एन ए प्लस है उसको कितने क्लोरीन आयन सराउंडेड होंगे उसके चारों में, बताओ? सिक्स। वेरी गुड, तो जब ईच क्लोरीन या ईच सोडियम एन ए प्लस इज सराउंडेड बाई 6Cl-, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब Na क्या होगा यदि आप Na प्लस Cl- का रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, बोलो? 1:1 बनाएगा सिंपली। yes. या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ईच Cl- जो होगा वो सराउंडेड बाई किसके है, बोलो? 6Na+। अच्छा एक बात बताओ, आपने एक रेडियस रेशियो पढ़ा था सिंपल, यदि आपको याद हो, R प्लस प्लस R माइनस ये किसके बराबर होगा? A बाई K, ठीक है? आपको ये पता है किसके लिए? ऑक्टेटल वॉइड के लिए, सिंपल लगा दिया, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे यदि हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ एन ए प्लस प्लस रेडियस ऑफ सी एल माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा? A बाई K। अच्छा डेंसिटी क्या होगी बताओ? तो मैं डेंसिटी तुम्हें सिंपली बताऊं, जेड इंटू एम ए
अपॉन एन ए इंटू वॉल्यूम, याद रखो वॉल्यूम में यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ एक बार ध्यान रखना, मैं ए क्यों नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वॉल्यूम लिख रहा हूँ क्योंकि जो आपकी क्यूबिकल भी हो सकती है, बोलो क्यूब का ए क्यू, आपका हेक्सागोनल भी हो सकता है, हेक्सागोनल में तो चेंज हो जाएगा ना। अच्छा बताओ हेक्सागोनल का सिंपल कितना एरिया वो होता है वॉल्यूम, तो बच्चा बता सकता है? हेलो उसमें जो होता है z होता है वो 6 होता है, ठीक है वो तो हमें पता है लेकिन कितना होता है वो वॉल्यूम 24? तो क्या बताना आपको हेक्सागोनल का वॉल्यूम बताना है, पढ़े हो गए? यस सर एक बताओ हाइट तो उसकी a by 2 root 3 आती थी अंडर रूट में। हाँ ये तो बात ठीक है सर। फिर सर 24 root 2 r क्यूब। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यही होती है। तो यहाँ पे वॉल्यूम याद रखना, तो वॉल्यूम यदि मैं मान लो क्यूबिकल वॉइड ले रहा हूँ तब वॉल्यूम क्या होगा बताओ, ए क्यू होगा, एम यहाँ पे क्या होगा बोलो, मोलर मास होगा। यस सर। और मोलर मास कितना होगा बताओ यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे NaCl टाइप सॉलिड तो 58.5 ग्राम पर मोल, यही होगा। अच्छा यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होगी अबूजर बताओ, जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड जानते हो क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल, तो कितनी होगी? हैं? फोर होगी। वेरी गुड, देखो कैसे ध्यान समझ रहे हो, जेड की वैल्यू फोर होगी। आप भी देख लो ना, एक्चुअली जो आपका सी एल माइनस है वो कहाँ रखा रहता है, सारे एफ सी सी पैक में होती है ना, कहाँ होती है बोलो, एफ सी सी पैक में। तो सिंपल आप क्या देखो, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, यदि सी एल माइनस का देखो तो कितना आएगा, 6 × 1/2 कितना आएगा देखो इस तरीके से, जैसे मान लो लार्ज आइटम। सर आप एफ सी सी का पूछ रहे थे या एफ सी पी का? मैं एफ सी सी, मैं इसकी बात करूँ एन ए सी एल टाइप में सिंपल कितनी जेड की वैल्यू होगी, मैंने उसका बता दिया हेक्सागोनल में। हाँ लार्ज आइटम सी एल माइनस होगा जो इज प्लेस्ड, कहाँ पे प्लेस कर दें, एट द एफ सी सी, कैसी पैकिंग होती है इसकी बोलो, एफ सी सी पैकिंग होती है। तो जब एफ सी सी पैकिंग हुई तो आपको पता है कहाँ कहाँ रखा होगा बताओ, कॉर्नर पे रखा होगा, और कहाँ रखा होगा, फेस के सेंटर पे रखा होगा। अच्छा जब कॉर्नर और फेस सेंटर पे रखा होगा तो आप बोल सकते हो सी एल माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, 8 × 1/8 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 × 1/2 कितना बचेगा बोलो, 8 कॉर्नर, एक हर एक कॉर्नर 1/8 में कॉमन, 6 फेसेस हर एक फेस 1/2 में कॉमन, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + 3 मतलब कितना हो गया 4। अच्छा एक बात देखना यहाँ पे, यदि मैं एक यूनिट, अब देखो यहाँ से हमें एक बात पता लग गई, यदि आप देख रहे हो सिंपल तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल कितने आ गए, इन वन यूनिट सेल 4 आ गए। अब एक बात बताना, एक बात बताना, तो यहाँ पे ये बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी बनेंगी बोलो, 8 बनेंगी। वेरी गुड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 बन रही है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो कैसी है, वेकेंट है, इस बात को ध्यान रखना, कैसी है वेकेंट। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होगा बोलो, अब 4 आ रहा है तो ऑक्टाहेड्रल 4 आ रहा है, तो एक बात बताओ यदि हम बात कर रहे हैं एक यूनिट सेल में, ध्यान समझना, 4 सी एल है और 4 ही क्या होंगे बोलो, एन ए प्लस होंगे, और वो एन ए प्लस कहाँ होंगे 4 के 4 बताओ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। मतलब यदि हम बात कर रहे हैं तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ये ऑक्युपाइड होगी, ऑक्युपाइड बाय एन ए प्लस, मतलब कितना होगी बोलो 100%, इस बात को ध्यान रखना, कैसी होगी 100%, ये बात ध्यान रखना। ये कभी कोई पूछ लेता अभी, मैं कहीं कहीं जो वॉइड भरी होती है 50% ही होती है, मैं बात करूंगा, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ये बात क्लियर हुई नहीं हुई बोलो, इसलिए कैसा है ये 1:1 टाइप सॉलिड होगा, बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो बताओ।
दिखता नो सर। अच्छा अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन सॉल्व करना है इसमें, इस टाइप से क्वेश्चन जेई में आते हैं। ये जो एक क्वेश्चन आना आपका एडवांस में, एक बात ध्यान रखना, इसमें कितने क्वेश्चन आने हैं, एक। अब वो आसान भी आ सकता है और टफ भी आ सकता है। टफ आता नहीं है, जनरली आप फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। जैसे मान लो ए बी कंपाउंड है, हैज रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर, तो कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, बताओ। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, ध्यान समझना, मैं सारे डाटा दे रहा हूँ आपको। डेंसिटी मान लो आर ए प्लस दिया हुआ है आपको 4 एंगस्ट्रॉम, आर बी दिया हुआ है माइनस 8 एंगस्ट्रॉम, ये एम ए दिया हुआ है 20 और एम बी दिया हुआ है 30। करो हरी अप, बताओ डेंसिटी कैसे आएगी। कैसे करोगे बताओ, एक मिनट बना लो। पॉइंट जीरो टू फोर ग्राम पर सीसी। कितना मुझे आंसर तुम बता, बस बताओ, बस तुमने क्या मैसेज लगाया, तुमने किया क्या है, बस ये बताओ मुझे। सर अगर जैसे कि सिर्फ इसमें एफसीसी होती तो उसका भी हम जेड इफेक्टिव चार ही लेते हैं, और वॉइड में है तो उसका भी चार ले लेंगे, तो मतलब चार ए है चार बी है, तो मोलर मास 20 लेने की बजाय 50 ले लेंगे और सब सेम आ जाएगा। वेरी गुड, जेड की वैल्यू तो चार ही लोगे। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड, किसी ने कर पाया? और या फिर दोनों की डेंसिटी अलग निकाल सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी एडिटिव भी होती है। हाँ वेरी गुड, ये भी कर सकते हैं। अलग अलग क्यों निकालना? यस सर, उससे लंबा पड़ेगा, लंबा पड़ेगा, डायरेक्ट कर लो। बताओ दिखता हो पाया श्रेया? श्रेया दिव्यांशी, अरे जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 4 होता है, बोलो एफसीसी के लिए। अभी हमने बताया रॉक सॉल्ट के लिए। अच्छा अब आपको पता है आर प्लस प्लस आर माइनस इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? ए बाई टू, बोलो। तो यहाँ से तुम्हारा ए की वैल्यू आ जाएगी, बताओ कितनी आएगी? यदि आर प्लस कितना दिया हुआ है बताओ, आर प्लस दिया हुआ है सिंपल तुम्हारा, यदि ए बाई टू आर प्लस की वैल्यू रखोगे तो कितना है बोलो, कितनी है? 4 प्लस 8 कितना हो गया? 8 4 12 12 एंगस्ट्रॉम, तो मतलब कितना हो गया यहाँ से? ए आ गया 24 एंगस्ट्रॉम। देखो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं इसके सॉलिड स्टेट के, ये अब समझना। यहाँ पे
अब आपको सिंपल यहाँ पे डेंसिटी रखना है, तो डेंसिटी क्या होगा बोलो, डेंसिटी इक्वल टू होता है जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू वॉल्यूम। अब एक बात बताओ मुझे यहाँ पे सिंपल सा, ए इक्वल टू के, अब देखो ये हो गया, अब जैसे मान लो मास निकालना है मोलर मास, एम ए प्लस एम बी कितना हो जाएगा बोलो, एम ए 20 प्लस 30 कितना हो गया 50 ग्राम पर मोल। तो बस वैल्यू रखनी है आपको एम की, आंसर निकाल लो, कर लोगे आप 4 इंटू 50 डिवाइड बाई एन ए कितना है 6 इंटू 10 टू दी पावर 23, और बी कितना लोगे वॉल्यूम ए क्यू होगा, ए क्यू मतलब 24 का, कर लोगे सॉल्व इसको बोलो अबूजर। यस सर। अबूजर क्लियर? सोमिल 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 चला गया क्या? सोमिल नहीं आया क्या आज? साहिल सर आया था वो चला गया। क्यों सर पता नहीं अभी अभी गया। अच्छा उसका वो नेटवर्क इशू होगा, अभी ज्वाइन हो जाएगा। दिखता सर हो गया अब? हो गया, चलो आगे बढ़े, कुछ बातें और निकालते हैं। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? आपको मुझे बस पूरा सॉल्व करके मत दो, बस मैं क्वेश्चन बता दो, ये क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, कैलकुलेट पैकिंग फ्रैक्शन फॉर NaCl इफ Na प्लस इज परफेक्टली फिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड। बताओ करो कैसे करोगे, निकालो, बस मुझे आप वो पूरा सॉल्व मत करो, मुझे आर प्लस आर माइनस में रिलेशन बता दो लास्ट में, बस पूरा वैल्यू रख के। करो जल्दी इसको, तब तक मैं क्वेश्चन और लिखता हूँ। डन सर। वेरी गुड। मुझे ऐसा लगता है कुणाल तुम्हें फिजिकल में ज्यादा मजा आता है ना, क्यों कुणाल? नहीं सर ऑर्गेनिक ही। ऑर्गेनिक में तुमने कभी कभी गलतियां कर देते, छोटी छोटी, तुम कॉन्सेप्ट को ज्यादा ही जो लगता भी नहीं वो लगा देते, मुझे ऐसा फील होता है। जैसे तभी तो उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करती हूं। लेकिन मुझे पता तुम्हारा वो तुमने जो एम एस चौन लगाया, मैं लगाया न लगाया तुम्हारा बराबर ही लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, तो सोच सकते हो ऐसा क्यों?
क्योंकि मैं एक दो बार क्वेश्चन दिया हूँ एमएस चौहान पे, तुम एक बार दोबारा से लगाओ एमएस चौहान बेटा लेवल वन, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम डाउन हो। अच्छा एक काम कर सकते हो, तुम लोग डीके सिंह लगा सकते हो ऑर्गेनिक की एक और बुक, किसी के पास है? नहीं आ गया सौमिल, आ गया नहीं सर। मैम सौमिल को फोन लगाना, बोलना मधु मैम से कॉल लगाए अच्छे सर। बताओ ये वाला क्वेश्चन हो गया, किस किसने कर लिया ये वाला क्वेश्चन पहले ये बताओ। यस सर कर लिया। तुम लोग तो बोलते ही नहीं हो, दिखता चिड़िया हुआ, दिखता चिड़िया नहीं हुआ तो बताओ, हुआ सर तो बताओ। हो रहा है, हो रहा है, कैलकुलेट कर रही हूँ बस। ठीक दिव्यांशी नेक्स्ट वाला भी हो गया। वेरी गुड, क्या है नेक्स्ट वाले का आंसर? AuCu4Ag3। Cu4Ag3 और Au रॉब ओसीसी में। ठीक है ठीक है, देखो इसमें कैसे करेंगे। अच्छा ये बताओ, यदि हम रेडियस रेशियो निकालते हैं तो ये बताओ R प्लस R माइनस कितना होता है? 0.414 यही होता है, किसके लिए रेशियो होता है बताओ? ऑक्टेटल, ठीक है ना। अच्छा मुझे लगता है मैं पहले टेट्राहेड्रल बोल दिया था, 0.225 से लेके। अच्छा ऑक्टेट्रल ही बोला था, ऑक्टेट्रल ही बोला था ना, ऑक्टेट्रल है वहाँ पे। यदि पैकिंग फ्रैक्शन हम लिखेंगे तो क्या पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? वॉल्यूम, समझ लो अच्छे से, ऑक्यूपाइड बाई ऑल एटम इन वन यूनिट सेल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे सिंपल सा, एक यूनिट सेल में क्या क्या है बताओ? वन यूनिट सेल में क्या क्या मिल रहा है आपको? 4Na+, 4Na-, Cl-। यही हो रहा है, तो जेड की वैल्यू क्या होगी? 4। अब ये बताना, यदि हम बात करें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो आप लिख सकते हो 4 × क्या लिखोगे बोलो? वॉल्यूम ऑफ Na प्लस प्लस 4 × वॉल्यूम ऑफ Cl माइनस डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बोलो आया ना, ये लिख सकते हैं। अब देखो, अब एक बात बताना मुझे, 4 × 4√3 πr³ + 4 × 4√3 πr⁻³ बताओ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? a³। अब एक बात बताओ, आपने FCC के लिए पढ़ा हुआ √2a = क्या होता है? 4r-, तो ये बताओ a = क्या हो जाएगा? बोलो 2√2r·। तो अब आप क्या रखना है, बस वैल्यू रखना है, आंसर पाना है, क्या आ जाएगा? 16y³ पाई आर प्लस का होल क्यूब प्लस 16y³ पाई आर माइनस का होल क्यूब डिवाइड बाई
टू रूट टू आर माइनस का होल क्यूब। क्लियर ये बताओ, कर लोगे अब? ठीक है अब बनाओ। कल तुम्हें पता है ना इंजीनियरिंग का एक वो होने वाला है वेबिनार, पता है किस किस को पता है? सर वो तो आज ही है सर। आज है? आज कितनी तारीख है सर? आज है आज इंजीनियरिंग का, कितने बजे से? क्लास भी है 5 बजे से सर। अच्छा तो चलो तुम्हें थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे, अटेंड कर लेना सर कहाँ। ठीक है तो वो कर लेना, ठीक है IIM से कुछ पूछ लेना जो भी डाउट हो, लेना नहीं तो मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कुछ नहीं है, दोनों बात है तुम्हारे पास, देख लेना तुम। ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे बताओ? पिछले वाला क्वेश्चन क्लियर? जो इस तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, इस बात को ध्यान रखना। जो यदि मान लो परफेक्टली फिटेड नहीं बोलता है नॉक्टेटल वर्ड, मान लो डिफरेंट बोल देता, तब क्या करते तुम? फिर तो रेंज लेनी पड़ती जो ऑक्टेटल वर्ड है, रेंज लेनी पड़ती है। देखो एडवांस क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। मैम सौमिल को फोन लगाना। हाँ चला गया वो, देखो क्या प्रॉब्लम है। सर बोलो सर, लास्ट क्वेश्चन में जो ये थे तो बोलो हेलो आर मैथ्स के लिए क्या बेटा, क्या क्या इसमें हमने बेटा इसमें तुम बोल रहे हो, इसमें एक ही वैल्यू में बोल रहे हो तुम, यही तो बोल रहे हो? यस सर। बेटा एक बात बताओ यहाँ पे, ये तो बॉयड में पड़े हुए हैं ना सब, सब कहाँ पड़े हुए हैं? बॉयड में। हमें बॉयड से तो मतलब ही नहीं रहेगा ना, हमें सिंपल किसकी वैल्यू नहीं निकालनी बताओ? ये तो बॉडी, ये तो सीएल कहाँ पड़ा हुआ है सब? बॉडी के सेंटर पे, सॉरी फेस, हर फेस के सेंटर पे और ईच कॉर्नर पे ये तो पड़ा हुआ है। बोलो यदि ये डिस्टेंस तुम लोगे तो कितनी आएगी? सिंपल आप इसी तरीके से तो करते हो। बोलो चल सिंपल वही मेथड है यार। तुम एक बात तुम काम करो, एक तुम बिल्कुल भी यहाँ वहां बिल्कुल भटको मत, यदि तुम देखोगे तो वही रिलेशन है, बस यहाँ पे कटायन एन आयन आ रहा है तो इसलिए हमें रेडियस अलग अलग हो रही है, इसलिए हम अलग अलग के केस में उसको अलग अलग तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, बट सेम रेशियो है यदि आप इंटरलिंक करोगे तो एक तरीके से बताओ। ठीक है चलो अब एक मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एक बात करना है। यदि मान लो आपसे नियरेस्ट पूछ ले, ध्यान समय इस वाले क्वेश्चन को, फिर अपन एक बात करते हैं। बताओ यहाँ पे क्या होगा, क्या आया फॉर्मूला बताओ? CO4Ag3Au। यदि हम कॉपर एटम की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, 8 × (+), फिर क्या हो जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ पे कॉपर एटम कितना आ जाएगा बोलो, क्योंकि हर एक फेस के से FCC पैकिंग थी, कितना आ गया 4। अब बताओ यदि हम AG एटम की बात करें तब कहाँ पड़े हुए बताओ, H के सेंटर पे कितना हो जाएगा 3। और AU कहाँ पड़ा हुआ है, बॉडी के सेंटर पे है ना, तो ये तो एक ही होगा 1 हो गया। सिंपल क्या हो जाएगा बोलो, CU4 AG3 AU। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं तुमसे सिंपल सा, जैसे मान लो मैं NaCl टाइप सॉलिड की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं मान लो NaCl टाइप सॉलिड बनाता हूँ, ये है अच्छा बताओ ऑक्टेटल वॉइड कहाँ बनती है? एक्स सेंटर में और बॉडी सेंटर में। और अब तुम्हें पता है एज के सेंटर पे बनेगा, एक देखो एक, ये तो हमने क्या रख दिया बताओ, Fc एटम Cl माइनस एटम रख दिया। ठीक है ये जो बड़े वाले हैं क्या है, Cl माइनस एटम। अब एज के सेंटर पे है तो हर एक पे है, फुल्ली ऑक्यूपाइड है,
समझना ध्यान से। बोलो ये बात क्लियर? अब देखो ध्यान समझना, यदि हम बात करें यहाँ पे ये वाले क्या है सब तुम्हारे N plus। अब एक बात आओ जो CL, अब ये तो बात ही है तुम्हें CL माइनस है। यदि आप यहाँ से भी देखोगे तो देखो डायग्राम से आपको अच्छे से प्रूफ हो रहा होगा, 8 इंटू 1 बाई 8 प्लस 6 इंटू 1 बाई 2 कितना हो गया बोलो 4। अब आप सिंपल यदि एन ए प्लस निकालोगे तो इसके लिए क्या होगा बताओ, कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है बोलो, 12 इंटू 1 बाई 4 प्लस 1 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा बोलो, क्योंकि एक बॉडी के सेंटर पे भी तो होगी ऑक्टेटल वॉइड, बोलो एक बॉडी के सेंटर पे भी होगी ऑक्टेटल वॉइड और एक एज की सेंटर पे सिंपल कितनी हो गई चार, जो यहाँ से ही प्रूफ हो सकता है 4:4 सिंपल। अच्छा तो अब ये बताओ एनी प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, एनीबॉडी? वेरी गुड सिंपल सिक्स। कैसे होगा देखो, एक दो तीन चार पांच और एक छह, इस तरीके से समझ जाओ। मैं अलग कलर के पेन से कर देता हूँ इससे आपको समझ आ जाए। बॉडी सेंटर पे भी जो दो तीन चार पांच छह, हमें तो बेटा ए डिस्टेंस वाले देख लो ना सब, ए बाई टू डिस्टेंस वाले हम सेम देखो, यदि हम डिस्टेंस चेंज करते जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेंज होता चला जाएगा ना, ठीक है? तो यहाँ पे कितना होगा बोलो, सिक्स। अच्छा सी एल माइनस कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर? सर उसका भी सिक्स। उसका सिक्स क्यों हुआ? सर अगर एक एन ए प्लस छह सी एल माइनस को टच कर रहा है तो सिक्स ही आएगा, सिक्स रेस टू सिक्स इसीलिए होगा। अच्छा मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पे डिस्टेंस जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोट टू नियरेस्ट सी एल माइनस कितना होगा बताओ, ए बाय रूट टू, याद रख लोगे डायरेक्ट फॉर्मूला बोलो। अच्छा एक बताओ हम यदि लिख सकते डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एन ए प्लस, सर वो भी ए बाय रूट टू, बिटवीन टू नियरेस्ट एन ए प्लस, ये भी क्या आ गया ए बाय रूट टू आ गया। अच्छा दी मान लो आपसे पूछा जाए डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट सी टू नियरेस्ट एन ए प्लस एंड सी एल माइनस, इसका बताओ आंसर, ए बाई टू होगा, क्या होगा ए बाई टू, क्या हुआ ए बाई टू बताओ, ये बात क्लियर? अब देखो ये बात तो हो गई सारी है ना, ये बात तो सारी हो गई अपनी NaCl टाइप अपने सॉलिड बता दिए। अब हम दूसरा सॉलिड देखते हैं, ठीक है, ZnS टाइप सॉलिड। मतलब जिंक, इसको जिंक ब्रांडी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है, ये कैसा होता है 4:4 सॉलिड होता है। अच्छा यदि हम यहाँ पे देखते हैं, यदि इसका एक्सपेरिमेंटल देखते हैं तो R Zn plus 2 और R S minus 2 कितना होता है 0.32 कितना आता है एक्सपेरिमेंटली, तो बताओ किस रेंज में आएगा ये? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वेरी गुड, मतलब कहाँ पे पड़ा होगा स्मॉलर एटम, कहाँ पे पड़ा होगा फिर बताओ, स्मॉलर एटम होगा टेट्राहेड्रल में पड़ा होगा। स्मॉलर एटम यहाँ पे कौन है Zn plus 2 और वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है आपका सिंपल वॉइड में, वो भी किस वॉइड में पड़ा हुआ है टेट्राहेड्रल वॉइड में पड़ा हुआ है। बोलो
अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, जो ईच जेड एन प्लस टू है इसको सराउंडेड कितने सल्फाइड आयन किए होंगे बताओ? इट्स सराउंडेड फोर, ये बात समझ में आ रही है ना? बोलो, ये बात समझ में आ रही है? वैसे भी तुम देख सकते हो यार टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, बोलो फोर होता है। तो सीधा सीधा दिमाग लगाओ यहीं से, ठीक है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है यहाँ पे, सिंपल चार है। अच्छा एक बताओ, ईच सल्फाइड आयन को कौन कितने जिंक प्लस घेरे होंगे बताओ? एट। वेरी गुड, आल्सो सराउंडेड बाय जेड एन प्लस टू। अच्छा इसके लिए कौन सा फॉर्मूला आएगा? जो मैंने सब पढ़ाया तो मैं पहले फॉर्मूला बताओ यहाँ पे, ये फोर रेशियो फोर हो गया, तो यदि आप देखोगे तो आर प्लस प्लस आर माइनस इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट थ्री ए बाई फोर। मैम कॉल किया था सौमिल को? अच्छा बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो, अब ध्यान समझना यहाँ पे, अब मैं एक बात बता रहा हूँ, यदि मैं बात करूं यहाँ पे लार्जर एटम कौन है? सल्फाइड। सल्फाइड, और ये कहाँ पड़ा हुआ है? एट एफसीसी, एफसीसी लैटिस। यदि हम बात करें मतलब कहाँ कहाँ पड़ा हुआ, कॉर्नर और फेस सेंटर पे, ठीक है, यही पड़ा होगा। अच्छा एक बात बताओ, यदि हम बात करें तो कितने हैं, फोर सल्फाइड आएंगे क्योंकि बॉडी के सेंटर वही सेम, एट इंटू वन बाई एट प्लस सिक्स इंटू वन बाई टू। अब एक बताओ तो यहाँ पे कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे बताओ? आठ। यहाँ पे ऑक्टेट्रल वॉइड कितनी बनेंगी बोलो? चार, क्योंकि आपको पता है जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल होते हैं उतनी ही टेट्राहेड, उससे डबल क्या बनती है, टेट्राहेड्रल वॉइड, और जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल होते हैं उतनी ऑक्टेट्रल वॉइड बनती है, ठीक है। अब एक बात बताना मुझे, यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे सिंपल टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया, एट हो गया। अब देखो, अब हम बात करें, जैसे मान लो आप लिखो कि जो जेड एन है जेड एन प्लस टू वो कितने हैं, चार, मतलब इसको कितने भरे हुए हैं बोलो? चार। यदि आप बोलोगे तो सिंपल कितनी परसेंट ऑक्यूपाइड है ये, 50%। इस बात को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे बोलो? जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो 50% ऑक्यूपाइड है, मतलब वन यूनिट सेल में यदि हम बात करें क्या हुआ, फोर जेड एन प्लस टू, मतलब क्या मिलेंगे आपको, जेड इक्वल टू क्या आ गया, यहां तक बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ? नो सर। एक क्वेश्चन फिर करते हैं, चलो yes, फिर से मैं सेम क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, एक देखो ये आप खुद कैलकुलेट करना आना चाहिए, मैं तो आपको मेथड बता चुका हूं, अब आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, कैलकुलेट पैकिंग फ्रैक्शन। देखो जेई एडवांस में क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकली देगा तो बहुत आसान आएगा, नहीं तो आपसे पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करवा लेगा या आपसे डेंसिटी निकलवा लेगा, यही क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन ही नहीं है, सिंपल। और यदि आप देखो तो अभी थोड़े क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, एक्चुअली जेड एन एस टाइप इन टाइप सॉलिड से आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले देखो तो आप जेई का पेपर बहुत आसान आता था, मतलब जो क्वेश्चन आता था एडवांस का यदि आप देखोगे उठा के तो सिंपल, या तो फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल आ रहा है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपने यदि प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होंगे तो, क्योंकि उसे पता है ना इतना हम कैलकुलेशन नहीं करा सकते हैं, और भी हैं सब्जेक्ट। कैलकुलेट पैकिंग फ्रैक्शन फॉर जेड एन एस इफ जेड एन प्लस टू इज परफेक्टली ऑक्यूपाइड इन टू टेट्राहेड्रल वॉइड, ये इंपॉर्टेंट, इन टू
टेट्राहेड्रल बॉडी। जो परफेक्टली बोल रहा है इस बात को ध्यान रखना सर, अगर ये परफेक्टली बोल रहा है मतलब आठों के आठों ऑक्यूपाइड है। हाँ पूरे के पूरे ऑक्यूपाइड है, पूरे के पूरे ऑक्यूपाइड हो जाएंगे तो यूनिट सेल खराब नहीं हो जाएगा? तो चार्ज भी तो बैलेंस रहना चाहिए, चार्ज बैलेंस होना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे वो क्या बोला, परफेक्टली बोल रहा है यहाँ पे, वो ये बोला परफेक्टली बोले तो यहाँ पे 100% से नहीं है, पूरा ऑक्यूपाइड 100% से नहीं है, मतलब वो 50% पूरा ऑक्यूपाइड है तरीके से, नहीं 100 से मतलब नहीं है यहाँ पे। यदि मैं बोलता 100% ऑक्यूपाइड, क्या किया तुम्हारा रिलेशन क्या आया बेटा पैटर्न फ्रैक्शन में? पहले जैसे किया, पहले जो रेडियस रेशियो था वो 0.414 आएगा आर प्लस और आर माइनस का, और 4r माइनस ए रूट टू आ जाएगा। चार इसमें जेड एन प्लस टू है और चार इसमें वो है एस टू माइनस, तो जेड भी इसमें वो आ गया और फोर वहां से पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेंगे। और फोर इंटू वॉल्यूम हर एक आइटम की अपॉन ए क्यूब, ठीक है, 4r माइनस इज इक्वल टू ए रूट टू होता है, तो r माइनस इज इक्वल टू ए रूट टू आ जाएगा। और भी बच्चे कर पाया इसको? देखो यदि आपको पता हो r प्लस वाई आर माइनस कितना होता है, रेशियो 0.225, क्योंकि इसकी नीड पड़ेगी तो तुम्हें भी पता है, इसके बिना तो ये सॉल्व होगा ही नहीं है ना। यदि हम वन यूनिट सेल की बात करें तो क्या क्या होगा, सिंपल चार टेट्राहेड्रल के तो 414 होते हैं, क्या बेटा टेट्राहेड्रल के तो 414 होते हैं बेटा, ऑक्टेडल के लिए होता था ना, अभी आपने किसके लिए लिया था, यदि आप देखो इसके लिए कितना लिया था रेशियो, सर ऑक्टेडल के लिए होगा, क्या सर ऑक्टेडल के लिए होगा सर, ये ऑक्टेडल की 4.4 वही तो मैंने कहा है ना, वेरी गुड। तो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या हो जाएगा, अभी तुम ही बता रहे थे तुम मुझे कुणाल। यस सर, कहाँ कंफ्यूज हो गए, यही तुम मैं गलत छोटी छोटी गई ये मिस्टेक्स कर देते तुम। अब ये था वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, ए क्यू, तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब सिंपल, अब आपको क्या करना है, फोर आर माइनस इक्वल टू क्या होगा, रूट टू ए, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू रूट टू आर माइनस, पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो गया, फोर इंटू फोर अपॉन थ्री का होल क्यूब प्लस फोर इंटू फोर बाई थ्री बाई आर माइनस का होल क्यूब डिवाइड बाई का होल क्यूब। चलो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम जेड एन एस टाइप को बनाते हैं,
देखो अब ये बताओ सिंपल सा, टेट्राहेड्रल कहाँ बनती है बताओ, बोलो। एक कॉर्नर और तीन फेस सेंटर के बीच में। बीच में बनती है, और वो कैसे है, अल्टरनेट है वो भी, कैसे है अल्टरनेट। यदि आप देखोगे एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है, अल्टरनेट बना दिया हमने सिंपल। अच्छा एक बात बताओ, यदि हम देखें सिंपल सल्फाइड, ये क्या है, ये 10+2। अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बताओ, यहाँ से ये 10+2 का 4, ये तो पता चलता फोर है। और यहाँ पे दी कोऑर्डिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सल्फाइड आयन का देखें तो कितना होगा 4। अच्छा एक बात बताओ, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट सल्फाइड आयन कितना होगा, ए बाई रूट टू। और इस डिस्टेंस बिटवीन टू जेड एन प्लस टू देखोगे तो कितना होगा, देखो एक बात ध्यान रखना, यदि आप इसको सॉल्व कर रहे हो, ये पता ना ए बाई रूट टू कैसे आया, ऐसे मान लो ये दो हैं, एक ये है एक ये है, ये भी डिस्टेंस कितनी है ए बाई टू, ये भी कितनी है ये, कितना आ जाएगा बोलो ए बाई टू। अब एक बताओ सिंपल, यहाँ पे भी हम बात करें डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट जेड एन प्लस टू और सल्फाइड, बताओ कितनी होगी, बोलो अबूजर अबूजर बताओ यस सर, कितनी होगी, बताओ अभी बताई थी हमने रूट थ्री ए ए बाई बाई टू, टू कितनी होगी रूट थ्री ए बाई टू ना, बोलो। बोलो बेटा क्या कह रहे हो, क्लियर क्लियर, चलो और सुनाओ क्या चल रहा है, पूजा कितने घंटे पढ़ाई हो रही है, टेंशन तो नहीं हो रही है, स्कूल स्कूल का मैनेज हो रहा है सब, कुणाल तुमसे, कुणाल यस सर। चलो तुमसे अबूजर, अबूजर सर ओके, थोड़ा श्रेया तुमसे, चलो नेक्स्ट चलते हैं सी ए एफ टू टाइप। यसी को हम बोलते हैं फ्लोराइड, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें तो जो रेंज आती है इसकी वो कहां से कहां तक आती है, देखो रेंज आती है 0.225 से लेके कहाँ तक होगी, 0.414 0.414 तक। अब एक बात बताओ, यदि हम बात करें यहाँ पे लार्ज कौन है, कैल्शियम, कैल्शियम, और स्मॉल कौन है, फ्लोराइड। अच्छा जो फ्लोराइड होता है वो कहाँ पड़ा रहेगा, बॉयड में, बॉयड बोले तो कौन सी बॉयड में, टेट्राहेड्रल बॉयड में, ठीक
जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, चार होगा। अच्छा जो सी ए और एफ है, सिंपल समझना, ये प्लस टू एफ माइनस, तो ये जो होता है एट रेशियो फोर टाइप सॉलिड होता है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखोगे तो जो फ्लोरीन होता है, जो फ्लोराइड आयन होता है, ये सराउंडेड होता है बाय फोर कैल्शियम आयन, और जो कैल्शियम होगा बताओ इससे कितने होंगे, बोलो एट बाय एट एफ माइनस, ये बात क्लियर। अब यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लो मैं एक यूनिट सेल की बात करूं, तो यहाँ पे क्या है बोलो, सर वेबिनार है, वेबिनार है, चलो छोड़ता हूँ, 10 मिनट हो गया, बस 5-10 मिनट हो गए, अभी तो स्टार्ट हो रहा, अभी तो टाइम, ठीक है। ओके सर। अब देखो यदि हम बात करें यहाँ पे सिंपल, तो यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम होगा सी ए प्लस टू, ठीक है, ये कहाँ पे होगा, एट एफ सी सी सेंटर, ठीक है। यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या फोर कैल्शियम है, तो ये कहाँ पड़े हुए हैं बोलो, ये कहाँ पड़े हुए हैं सर, ऑक्टाहेड्रल में, बोलो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, सी ए प्लस टू तो एफ सी सी हो गया, मतलब यहाँ पे कितने फोर सी ए प्लस टू हैं। यदि आप बात करोगे तो ये कहाँ पड़े हुए हैं बोलो, ये पड़े होंगे आपके सिंपल। अब यदि मैं यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करता हूँ, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होंगी बताओ, कितनी होंगी, और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होंगी, चार। तो ये बताओ अब ये एट किससे फिल्ड होंगी, बाई एट एफ माइनस से, मतलब कैसा है बोलो, 100% ऑक्यूपाइड है, और ये कैसा है बोलो, वेकेंट। ये बात क्लियर बोलो, यस सर। ये बात अब देखो, अब ध्यान से समझना, जैसे मैं मान लो डायग्राम बनाता हूं सिंपल, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, अब हमें क्या बना रही है देखो, एक दो तीन चार पाँच छ, ये हमने क्या बना दी, सिंपल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की यदि बात करूं, एफ माइनस के कितने हैं, कितना होगा चार, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बोलो सी ए प्लस टू कितना होगा, एट। अब हम बात करें सिंपल, तो डिस्टेंस बताना मुझे, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट सी ए प्लस टू एंड एफ माइनस कितनी होगी, रूट थ्री ए बाई टू, ठीक है, स्टार्ट हो गया क्या, चलो
एक क्या करना है, लाइव जाना है कि तुम्हें एक और पढ़ा दूं, Na2O टाइप सॉलिड जल्दी बताओ, एंटी क्लोराइड बोलो। हेलो पढ़ाई क्या बोल रहे हो? पढ़ाई लाइव जाना है? पढ़ा दीजिए। क्योंकि वहां पे क्या IIM से लड़के आए ना, इसलिए NSUP IIM में उसका हुआ एडमिशन, तो वो आया हुआ है आज। कुणाल खिला गया हम भी कह क्या? रहे हैं छोटा है पढ़ा दूं, क्या एंटी फ्लोरा जो छोटा है पढ़ा दूं। वो पढ़ा देता हूँ फिर चलेगा तुम। Na2O लाइक सॉलिड या एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कितना है? 4:8। जो जस्ट उल्टा एंटी फ्लोराइड में तो समझ रहे हो, जस्ट उल्टा हो जाएगा किसके, बोलो किसके उल्टा हो जाएगा? फ्लोराइड फ्लोराइड के के। 0.225, बस वहां पे जहां जहां बोलेगा ना मैंने, अब वहां पे क्या कर दोगे सिंपल, ओ माइनस टू 0.414 एक्सपेरिमेंटल। यदि लार्ज यहाँ पे देखो तो क्या होगा, लार्ज होगा यहाँ पे सिंपल ओ माइनस टू, स्मॉलर क्या होगा बताओ, एन ए प्लस। वो भी कहाँ पड़ेंगे, वॉइड में, वो भी कौन से टेट्राहेड्रल वॉइड में, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, अब यदि मान लो तुम यहाँ पर रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, यदि आप वैसे भी देखो Na+O-2 का ये आता 2:1, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बोलो, कितना आएगा रेशियो बोलो भाई, किसका सर? 8 कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो। इस टू 4। वेरी गुड। अब देखो, अब एक बात ध्यान रखना, यदि हम बात करें यहाँ पे Na प्लस को जो सराउंडेड हैं कितने हैं, टू माइनस टू 4। और यदि हम बात करें सिंपल ओ माइनस टू के कितने सराउंडेड हैं, Na प्लस, एट। ठीक है, एट है, बिल्कुल अब देखो ध्यान समझना, ध्यान समझना है। इसके बाद ऐसे मान लो, अब आप यदि यहाँ पे रेशियो लिखते हो सिंपल रिलेशन आर प्लस प्लस आर माइनस का, वो कितना आएगा, √3a/4। ठीक है, अब ध्यान समझना, यहाँ पे ये √3a/4 हो गया इन वन यूनिट सेल, तो फोर ऑक्साइड आयन है, 8 Na+ है। यदि हम बात करें तो कितने टाइप सॉलिड हो गया, 4 Na2O यूनिट हो गया, मतलब जेड की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी बोलो, सिंपल 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4। अब एक बात ध्यान रखना यहाँ पे सिंपल, यदि हम एक यूनिट सेल की बात करें, ये वन यूनिट सेल की बात, जस्ट उल्टा है उसी का, क्लोराइड का ओ माइनस टू है, वो भी कहाँ पे है, एट FCC लैटिस। ठीक है, अब आप मुझे ये बताना सिंपल, यहाँ पे 4 O-2 हैं, तो ये कहाँ पे होगी बोलो, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी बनेगी, 8। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी बनेगी, 4। और आपको पता है किसके बाद ऑक्यूपाई है, बाई 8 Na+ से, मतलब कितना हो गया बोलो, 100% ऑक्यूपाइड है।
बताओ, यहाँ तक बात क्लियर? बोलो। हेलो, बताओ क्लियर? यस सर। चलो फिर चले जाओ सेमिनार में, ठीक है? ओके, तो दैट्स इट, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तुम्हें क्या करना है, तुम लोगों को सुन लो होमवर्क इस टाइप की, अब जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे दो, मैं एक सॉलिड और बताऊंगा, CSCL टाइप सॉलिड बता दूंगा इसके बाद, और बस फिर आपको मैं थोड़ा डायमंड का स्ट्रक्चर बताऊंगा, एक लेक्चर और लूंगा मैं इसका एडवांस में, ठीक? फिर अपन क्वेश्चन करेंगे इसके बेसिस पर, ठीक है? यस सर। ओके, दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। और तुम लोग अबूजर जितने लोग भी सुन रहे हो, आप लोग यदि लगा रहे हो तो आप लगाना स्टार्ट कर दो, किसको बोलो, MS चौहान को या हिमांशु पांडे को, ठीक है? या जिसके पास yes, sir. जो भी बुक है वो लगाना स्टार्ट कर दे, मन से एक बार दोबारा से लगाए, ठीक है? ओके, दैट्स इट। चलो बाय।